याद आती है मुझे एक कविता जो श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की है। मोटिवेशन के लिए पर्याप्त है कि हमें लगातार मेहनत करनी है, हमारी स्टडी को बीच में नहीं रोकना है, ईश्वर हमारा साथ जरूर देगा। जो ये जांच करता है, जो ईश्वर है, जो हमारा साथ तब देता है जब हम पूरी तरीके से हमारी मेहनत पर्याप्त रंग लाती है। निरंतर प्रयासरत रहना है, कभी भी बीच में नहीं रोकना। हमारे जीवन बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी, हमारे स्टडी के बीच में बहुत सारे व्यवधान आएंगे, लेकिन उन सबको पार कर करके हमें निरंतर स्टडी पर ध्यान देना है, पढ़ाई करनी है। वह प्रदीप जो दिखे रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गई क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। अपनी हड्डी की मसाल से हृदय चीरते तमका, सारी रात चले तुम दुख झेलते कुलिश निर्मम का। एक खे है शेष किसी विधि पार उसे कर जाओ, वह देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रियतम का। आकर इतना पास फिरे वह सच्चा सूर नहीं है, थक कर बैठ गई क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वो फूल खिलाएगी ही, अंबर पर बन घनछाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गई क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। जय हिंद।